शहर का विकास करने के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया ट्रांसपोर्ट नगर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सड़क पर आंदोलन करने की कगार पर आ गया है। सड़क, बिजली, पानी, नाली जैसी सुविधाओं से वंचित ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने मंगलवार को एकत्रित होकर नगर निगम दफ्तर के बाहर नारेबाजी की और अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। बड़ी तादाद में पहुंचे व्यापारी संघ के सदस्यों को संयमित रखने के लिए निगम दफ्तर के दरवाजे बंद किए गए और पुलिस बल तैनात किया गया। व्यापारियों ने एक सप्ताह का इंतजार करने की बात कही है, जिसके बाद आंदोलन का स्वरूप बड़ा हो जाएगा। समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ, इसीलिए आज हम लोगों ने, समस्त व्यापारियों ने आज हड़ताल रखी है। सांकेतिक और कलेक्टर से मिलकर 7 दिन का समय देते हैं, अन्यथा 7 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चित काल के लिए ना हम नगर निगम को टैक्स देंगे, ना किराया देंगे, ना विकास शुल्क देंगे, सब चीज हम बंद कर देंगे। ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन समाधान के नाम पर प्रशासन शुरुआत से ही शून्य साबित हुआ है। व्यापारी संघ के सदस्यों ने एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन बड़े स्तर पर किए जाने की तैयारी है। निगम आयुक्त की गैर मौजूदगी में दिए गए आश्वासन में कितना वजन है और स्मार्ट सिटी की कवायद में जुड़े अधिकारी इस मसले को कितनी गंभीरता से लेंगे, ये देखना बेहद आवश्यक है। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर।